नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। पंडित नेहरू ने करवाई थी सुभाष चंद्र बोस के परिवार की जासूसी। एक सनसनीखेज खुलासे में पता चला है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने आजादी के 20 साल बाद तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार वालों की जासूसी की थी। अंग्रेजी अखबार मेल टुडे में प्रकाशित एक खबर के अनुसार ब्यूरो के कुछ दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि नेहरू सरकार ने साल 1948 से 1968 तक बोस के परिवार की जासूसी कराई थी। यह फाइलें तब से ही नेशनल आर्काइव्स में सुरक्षित हैं। इनमें से 16 साल तक नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे और आईबी सीधे उन्हें रिपोर्ट करती थी। बोस के कोलकाता स्थित दो घरों की निगरानी की गई। इनमें एक बुडबर्न पार्क और दूसरा एल्गिन रोड पर था। कांग्रेस नेता के घर से AK-47 बरामद। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक रामवीर शौकीन के बवाना इलाके में स्थित परिसर से एक AK-47 और एक SLR राइफल बरामद की है। इन हथियारों को गैंगस्टर नीरज बवाना ने उत्तराखंड पुलिस से लूटा था। पुलिस ने बताया कि बवाना को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था। उससे पूछताछ के बाद हथियार बरामद किए गए हैं। यह खूंखार गैंगस्टर हत्या की कोशिश और जबरन वसूली जैसे दर्जनों मामलों में वांछित था। शौकीन 2013 में निर्दलीय विधायक के रूप में मुंडका से निर्वाचित हुए थे और बाद में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। पंखे से लटका मिला अभिनेत्री का शव। बंगाली टीवी अभिनेत्री दिशा गांगुली ने गुरुवार को दक्षिण कोलकाता स्थित घर पर गुरुवार सुबह पंखे से लटक कर जान दे दी। पुलिस ने बताया कि 23 वर्षीय अभिनेत्री महानगर के दक्षिणी इलाके के परमसरी स्थित अपने आवास पर पंखे से लटकी पाई गई और समझा जाता है कि उन्होंने दुपट्टे का फंडा बनाया था। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। उनके पुरुष मित्र ने दरवाजा तोड़ा और शव को नीचे उतारा। जब निर्वस्त्र हुआ नामी भारतीय क्रिकेटर। ICC की भ्रष्टाचार निरोधी इकाई ने खुलासा किया है कि टीम इंडिया का एक बड़ा खिलाड़ी पिछली घरेलू सीरीज में शराब के नशे में चूर बिना कपड़ों के पाया गया था। अभी इस खिलाड़ी के नाम का खुलासा नहीं किया गया है। महज 6 महीने पहले ही टीम इंडिया के इस खिलाड़ी को भ्रष्टाचार निरोधी इकाई ने होटल में रंगे हाथों पकड़ा था। वो खिलाड़ी होटल में नशे में धुत मिला था। इतना ही नहीं, उसकी स्थिति भी आपत्तिजनक थी। अनुष्का की बुराई पर भड़के विराट कोहली। विश्व कप से भारत के बाहर होने के लिए विराट कोहली की गर्लफ्रेंड अनुष्का शर्मा को दोषी ठहराने वालों को करारा जवाब देते हुए भारत के टेस्ट कप्तान ने कहा कि ऐसे लोगों को खुद पर शर्म आनी चाहिए, क्योंकि पिछले 5 साल में उनसे ज्यादा मैच किसी ने नहीं जिताए हैं। कोहली ने विश्व कप सेमीफाइनल से टीम के बाहर होने के बाद पहली बार चुप्पी तोड़ी है। विश्व कप से भारत के बाहर होने के बाद अनुष्का की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर काफी आलोचना हुई थी। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।